दोस्तों, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका नंबर 30 से 35 और 35 के 40 के बीच आपका नंबर आ रहा है। बहुत सारे लड़कों ने कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही बता रखा है कि उनका जो नंबर है 30 से 35 और 35 से 40 के बीच ही आ रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका नंबर किस तरह बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये पूरी बात और डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखाने वाला हूँ, जो आपका आरआरबी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी ग्रुप डी का, मैं वहां पर आपको ले चलता हूँ, वहां पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, जो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट था ग्रुप डी का, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर इन्होंने बता क्या रखा है कि जो आपका जनरल का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए वो 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए, ठीक है। और एससी और ओबीसी और एसटी तीनों का 30% आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर चाहिए, आपका सेकेंड स्टेज जो आपका होता है पीटी का, उसका क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर नहीं कर रखा है कि आपका जो ये क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या बिफोर नॉर्मलाइजेशन, जिसको आपको रॉ मार्क्स बोला जाता है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले आता है उसको हम लोग रॉ मार्क्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर नहीं कर रखा है कि आपका जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद चाहिए या नॉर्मलाइजेशन से पहले चाहिए। तो अब यहाँ होगा क्या, देखिए अब मैं बात करूँगा कि आपका सिलेक्शन किस तरह हो सकता है। देखिए, आरआरबी एएलपी का जो आपका रिजल्ट आया था उसमें आपका क्या हुआ था कि पहले जो आपका रिजल्ट आया था उसमें आपको 5 लाख लड़का का सिलेक्शन किया गया था, लेकिन उसको लेना कितना था, 15 गुना लड़कों को आपका सिलेक्शन करना था, जिसमें अगर 15 गुना करें तो आपको टोटल 9 लाख या 10 लाख लड़के होते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक ना। तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख से 10 लाख उसका लड़का हो रहा था, लेकिन उसका 5 लाख लड़का लेने का सिलेक्शन लेने का यही मतलब था कि उनका जो कटअप था वो बहुत सारे लड़के कटअप पार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जब फर्स्ट रिजल्ट निकला था तो उसमें उन्होंने 5 लाख लड़कों का सिलेक्शन कर लिया। लेकिन जब बहुत सारे लड़कों को ये जब उन्होंने ये किया, आपका FIR दर्ज करवाया कि इतना आपका सिलेक्शन होना था लेकिन उन्होंने इतने सिलेक्शन किया, तो वो जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद जब दोबारा जब उसका रिजल्ट निकाला तो देखा गया कि जिसका 20 से 21 नंबर भी आ रहा था उसका भी नॉर्मलाइजेशन से होने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको वही इसी तरह से बताने वाला हूं कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका चांसेस है आपका सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपका जो 30 से 35 और 35 से 40 के बीच जिनका नंबर आ रहे हैं उनका होगा क्या। देखिए, हो सकता है कि जो 30 से 35 नंबर आ रहे हैं उनके शिफ्ट हार्ड हो सकते हैं। अब हार्ड जिसके होंगे उसका नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे दूसरे के हिसाब, जिसके मतलब जिसका शिफ्ट इजी था उसका अगर नंबर मतलब अच्छा आया हुआ 50 से 60 के बीच आया हुआ, जिसका 30 से 35 आ रहा लेकिन उसका शिफ्ट बहुत हार्ड था तो उसका नंबर बढ़ेंगे, एक्चुअली उसका नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे उनके हिसाब से, ठीक है। उसके कंपेयर में उनका नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे जिसका शिफ्ट हार्ड था। ये रहा आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपका जो देखिए पीटी में आपका सिलेक्शन होने वाला लड़का कितना सिलेक्शन होने वाला, आपका 3 गुना लड़का सिलेक्शन होने वाला, मतलब आपका 60,000 वैकेंसी है, आपका 60,000 वैकेंसी है, ठीक है। 60,000 वैकेंसी में आपका 3 गुना लड़कों को सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 3 गुना सिलेक्शन बोले तो आपका 1,80,000 प्लस आपका जो 3 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा, मतलब 1,80,000 लड़कों का सिलेक्शन होगा 3 गुना लड़कों का। तो उसमें क्या होगा कि आपका जैसे कटअप अभी बहुत सारे, जैसे मैंने पोल कराया तो उसमें बस बहुत सारे लड़कों ने बताया है 70% अप्रोक्सीमेटली 70% लड़कों ने बताया कि उसका जो नंबर है 40 से 50 के बीच ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लड़का हैं जिनका 60 से प्लस है। तो इसमें होगा क्या, देखिए उसको अगर लड़का नहीं मिलेंगे तो उसको लेना पड़ेगा क्या, उसको नीचे वाले लड़कों को ही लेना पड़ेगा, जैसे कि 35 से 40 के बीच जिसके आ रहे हैं उनका भी हो सकता है सिलेक्शन। अब जिसके 30 से 35 नंबर है उसका अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर ज़्यादा हो गया जो कंपेयर में जिसका 40 नंबर है, क्योंकि उसका शिफ्ट हार्ड रहा होगा तो उसका नंबर बढ़ेंगे तो उसमें उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। प्लस आपका जो इग्नोर किया गया है, जितना भी नंबर क्वेश्चन आपका इग्नोर किया गया है उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो इग्नोर किया गया उसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने टाइम दिया था, कुछ ना कुछ उसने अपने टाइम दिया था उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका
जब आपका सिलेक्शन होगा, तो जैसे आपका 60,000 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें जो आपका 50% लड़कों का आपको वेटिंग लिस्ट में रखेगा, 50% लड़के बात करें तो आपका 30,000 लड़कों का वेटिंग लिस्ट में रखेगा। तो ये भी एक बहुत मतलब क्या बोलेंगे कटअप कम जाने का रीज़न बन जाता है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट इस बार रखा गया है तो इसमें भी आपका कटअप कम जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, प्लस आपका जो इग्नोर किया गया है उसमें आपका इग्नोर वाला मार्क्स बढ़ेंगे, प्लस अगर बहुत सारे इस बार दिखा अगर देखा जा रहा है कि आपका रेलवे के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो उसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसमें आपका नंबर बढ़ेंगे। ये मैं 30 से 35 नंबर वाले लड़कों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिसका नंबर कम है, लगता है कि उनका नंबर बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लड़कों को कमेंट सेक्शन में ये भी बताया कि उनका जो ऑप्शन है ऑप्शन ही बदल दिया गया, तो उन वो भी अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका नंबर बढ़ेंगे। और आप मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ एलपी के द्वारा, एलपी के द्वारा जो आपका पहले ही सिलेक्शन किया गया था उसके बाद रिवाइज सिलेक्शन में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, बस इसी तरह उसका आरआरबी का नियम है। प्लस आपका जो इसमें नॉर्मलाइजेशन मेन है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। और नंबर बढ़ के जब आपका 40% आपका पार हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई मेंशन किया नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले या नॉर्मलाइजेशन के बाद होना चाहिए। तो अगर आपका 40% से अबव हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है, ठीक है। तो बस ये थी आप आज की कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है, ठीक है। तो धन्यवाद।